द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। काले कानून, और इधर एक गाना भी बहुत फेमस हुआ है, यूपी में कावा, यूपी में कावा गाना बहुत सुन लिया लोगों ने लगता है। इसका मतलब क्या होने जा रहा है? बाय बाय बाबा बा, बताओ ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होगा? ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होगा जिसकी भाषा न जाने कैसी है? उनकी भाषा नफरत वाली है, उनकी भाषा झगड़े वाली है, उनकी भाषा ऐसी है जो अहंकार दिखाई देता है। बताओ उनकी भाषा में अहंकार है कि नहीं है? ये लोग जो कह रहे थे कि यूपी में मिसाइल बनाएंगे, तोप बनाएंगे, बताओ एक माचिस की तिल्ली तक नहीं बना पाए। जो लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे, वो अभी तक 5 साल में एक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। इसलिए जनता ने इस बार तय कर लिया है, इनकी माचिस की डिब्बी भी खाली जाएगी। बताओ खाली जाएगी कि नहीं जाएगी? और प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे ही पहले ही पैदल पैदल कर दिया है, याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल जा रहे थे। जिन्होंने 5 साल हमारे किसानों को दुख तकलीफ संकट में डाला हो, और दवाई से लेकर के इलाज का जो इंतजाम नहीं कर पाए, याद है जब लॉकडाउन लगा था मजदूर पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे, लोगों को जब जरूरत थी सरकार की, सरकार ने मदद नहीं की। जो मजदूर महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, पंजाब में, हरियाणा में, अपना सब सामान लेकर के चल दिए। जो बच्चे बड़े थे वो पैदल चल करके आए, आपको भरोसा दिला रहे हैं गांव के लोगों को, न केवल दवाई और इलाज फ्री होगा, मुफ्त होगा। पहले समाजवादी सरकार में दवाई और इलाज गरीबों का मुफ्त था, इस बार सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस भी दुगनी कर करके अपनी गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। परेशानी है तो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए उसके गांव में पहुंच जाए। लेकिन इन्होंने नंबर बदल के इस पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया है। इसलिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अगर 100 नंबर की गाड़ियों को बढ़ाना पड़ेगा तो 100 नंबर की गाड़ी बढ़ाने का काम करेंगे। इधर ये सरकार कह रही है कि बहुत राशन दे रहे हैं हम, लेकिन याद करो हमारे गरीब भाई बहनों माताओं, ये राशन पहले नवंबर तक था, फिर इन्हें पता लग गया कि चुनाव मार्च में है तो उन्होंने नवंबर का राशन मार्च तक कर दिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या मार्च के बाद गरीब के घर पर भूख मर जाएगी, भूख नहीं होगी? तो आखिरकार मार्च तक क्यों राशन बांट रहे हैं? इसलिए समाजवादियों ने फैसला लिया है, आप साइकिल की बटन दबाइए, महाराजगंज में, शहर में छड़ी दबाइए और 5 साल राशन फ्री देने का काम समाज करेंगे। न केवल राशन देंगे बल्कि सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए दूध और मिल्क पाउडर भी 1 किलो फ्री देने का काम समाज करेंगे। हमारे गरीबों को भी स्वास्थ्य और पौष्टिक खाना मिले, इसलिए महीने में गरीबों को 1 लीटर अपना घी भी फ्री देने का काम होगा और चीनी भी फ्री मिलेगी। लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं
कि पहले 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 1500 रुपया महीने का और साल का 18000 रुपए माताओं बहनों को हम समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे, मदद करोगे। ये हमारे सुशील कुमार टेबड़ीवाल बहुत नए प्रत्याशी हैं। ये बहुत दिनों से टिकट मांग रहे थे, बहुत दिनों से चुनाव लड़ना चाहते थे, और केवल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये चाहते थे कि आपकी सेवा कर सके। इसलिए सेवा का मौका दोगे इन्हें कि नहीं दोगे? इनको सेवा का मौका दीजिए। महाराजगंज और इनके क्षेत्र के विकास के लिए हम पूरी की पूरी मदद करने का काम करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को बाढ़ के समय पर तकलीफ उठानी पड़ती है, यहाँ बाढ़ भी है, सड़कें भी खराब हैं, और गरीबी और बेरोजगारी भी है। इसलिए नौजवानों, जहाँ 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, वहीं अपने नौजवान जानते होंगे पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, 3 साल से फौज की कोई भर्ती नहीं हुई है। हमारे ये नौजवान रात को खेत में रखवाली करते हैं, खेत की रखवाली करते हैं, घर परिवार की मदद करते हैं, और सुबह दौड़ करके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि ये सेना में भर्ती हो जाएं। ये गर्मी निकालने वाला जगन के हमारे लोगों, बाबा जी की तस्वीर देखी, हमारे सुनील सिंह तो बता सकते हैं। सुनील सिंह बहुत बच गए कि नहीं बच गए? और न केवल 12 बज गए हैं, न केवल 12 बज गए हैं, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हमें कह रहे दंगेश, हमारा नया नाम रखा उन्होंने दंगेश। वैसे उन्हें नाम बदलने की बहुत आदत है, बताओ नाम बदलते हैं कि नहीं बदलते? और रंग और रंगों पुताई के पुताई करके अपना काम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने दंगेश ना देखा हो, अगर उन्होंने दंगेश ना देखा हो, तो सुबह उठ करके बिना धुआं उड़ाए आईना देख लोगे तो अपने आप आपको दंगेश दिखाई दे जाएंगे उसमें से। के बाद इंटर पास करके जो 12वां करेंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करके जो 10वां पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ इस लैपटॉप वाली बात सुनकर के हम और आप लोग लोटपोट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? इसलिए मदद करिए, बताओ हमारी पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? Thank you.
डॉट टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।